नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय ट्रेडिंग चैनल की एक नए वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कि अब 1 सितंबर एक्सपायरी के दिन पर कैसा रहेगा हमारा मार्केट। आज है 31 तारीख, आज हमारी छुट्टी है, आज गणेश चतुर्थी है और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं 1 तारीख के मार्केट के बारे में। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो के बारे में आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ट्रेड्स मिलते रहेंगे, हीरो हीरो जो आपको कल मिलेंगे वो मिल सकता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, इंट्राडे से लेके आपको सब कुछ उसमें मिल सकता है। बस टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर सर्च कर लिए बिजी ट्रेडिंग, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये बाकी सारी बातें छोड़ के आप शुरू करते हैं थर्सडे मार्केट के बारे में। थर्सडे को मार्केट कैसा रहेगा? तो अभी ये कहें कि अभी तो मार्केट जो क्या है वो तो बहुत ही शानदार चला है, बस ये ऊपर गया है ऊपर गया है ऊपर गया है, और 15 मिनट में आपको एक भी टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक भी रेड कैंडल नहीं मिलती है। जितने भी रेजिस्टेंस थे सारे के सारे ब्रेक कर चुके, मार्केट ऊपर गया है ऊपर गया है ऊपर गया है। और अभी जैसा है कि अगर 1 तारीख को देखेंगे अगर आपका मार्केट कैसा ओपन होता है। अभी जिस हिसाब से अगर किया तो SGX डाउन चल रहा है, जैसे ही अपना मार्केट ग्रो हुआ है और SGX ने नीचे जाना शुरू कर दिया है, SGX नीचे जा कर दिया है। अब है गया क्रास हुआ और डाउन भी जब चल रहा है तब से नीचे ही जा रहा है। तो बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी अगर थर्सडे को 1 तारीख को अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये। यदि निफ्टी से ऊपर ब्रेकआउट करके हुए ओपन होता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे अगर फिर नीचे डाउन होता है, अगर 50 पॉइंट नीचे डाउन होता है तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट। यदि यहाँ पे हमारा फिर नीचे जाता है तो फिर हमारा मेजर सपोर्ट इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर हम यहाँ से जाके थोड़ा सा टक्कर खा के थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे जाके इधर थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाएगा नीचे आएगा नीचे जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये। अगर से नीचे जाता है, अगर से नीचे भी ओपन होता है तो फिर हम पहले सेक्टर में जा सकते हैं। यदि हमारा मार्केट डाउन ओपन होता है तो पहले हम देखते हैं यहाँ से, अगर से नीचे जाते हैं तो हम सेल करते हैं, सेल करने के बाद हम यहाँ पे इस हमारा पहला टारगेट रहेगा ये। और यदि हमारा मार्केट अगर पॉजिटिव जाता है, अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाकर इसको ब्रेक करते हुए आता है तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा ये। अगर से भी ऊपर ब्रोक होता है, अगर से ऊपर मार्केट ओपन होता है तो फिर हमारा पहला 17,855 के लगभग देखेंगे। तो देखेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी तो जैसे चल रहा है तो फिर निफ्टी में इसका जो बैंक का देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यदि मार्केट अगर इससे भी ऊपर जाता है, अगर 33,500 पार करता है तो फिर बैंक निफ्टी लगभग 40,000 के समथिंग आपको पहुंचा। तो फिर नेक्स्ट वीक तक आप उसको एवर हायर पे लेके जा सकता है। यदि मार्केट नीचे जाता है तो फिर इसको ये आपका सपोर्ट रहेगा,
तरीके से सपोर्ट करेगा और ये नहीं होगा कि मैं सपोर्ट अगर मैं पॉजिटिव ओपन होता है तो मैक्स में कर तो ये तो मैक्स में कुछ नहीं होता तो ये रहेगा आपको 40 अगर ग्रेडी 39.612 को क्रॉस करके ओपन होता है तो स्टॉक में बात करते हैं तो जैसे रिलायंस की बारे में बात करते हैं तो रिलायंस को डेली डिफरेंस से देखते हैं तो डेली डिफरेंस से तो रिलायंस ये बहुत ही साइडवेज में चल रहा है यदि ये से नीचे जाता है तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं अगर इससे ऊपर ओपन होता है तो फिर आपको मार्केट 2600 करता है तो फिर आप 2800 से लगभग आप मान सकते हैं कि 2800 तक जाएगा मार्केट नेक्स्ट वीक में डीएलएफ ने 5% ऊपर का ब्रेकआउट किया है अभी तो रियल डाउन डाउन चल रहा था कल 5% का ब्रेकआउट किया है 390 पे क्रॉस हुआ है यदि कल रियल 395 पे अगर क्रॉस करता है तो फिर आप ऐसे बाय कर सकते हैं जिसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 420 और 368 रहेगा इसका स्टॉप लॉस यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ऐसे लाइक करें